हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग्स, और ये बहुत प्यारी सी शर्ट पहनी हुई है। आज कोई रीज़न है, अभी थोड़ी देर में रीज़न आपको बताते हैं। अभी यहाँ जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और क्या रीज़न है ये वाला शर्ट पहनने का, ये भी बताते हैं। अभी चलते हैं। तो भाई अभी तो आ चुके हैं अंदर, और अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आवाज़ आपको सुनाई दे क्या ना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त को होता है भैया का बर्थडे, मेरे दादा का बर्थडे होता है। तो बस वही, इसी वजह से मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ कि मेरा प्लान ये था कि आज थोड़ा खेल कूद लेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोग जब आए थे तो वो उनको बॉलिंग करने का मन था, वो बॉलिंग नहीं कर पाए थे, तो अभी उनको पता नहीं है। चलते हैं अंदर और उनको लेके डायरेक्ट ऊपर चलेंगे, और फिर अपना बॉलिंग करा जाएगा, खेला जाएगा, और उनको बर्थडे अच्छे से मनाया जाएगा, मतलब दिन पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ आए। तो भाई अभी तक आप लोगों ने हमको देख लिया, अब बर्थडे बॉय को देख लीजिए, नहीं सॉरी बर्थडे मैन को देख लीजिए। अब ये मस्त एकदम बढ़िया, दोनों एक ही जैसी शर्ट पहन के आए हैं। आज भैया का बर्थडे है भाई, आज सब लोग इनके मतलब कमेंट में डाल दो बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डाल दो। तो बर्थडे बॉय नहीं है ये, बर्थडे मैन है। तो चलते हैं ऊपर और बताइए भैया आपकी बार क्या। रजनीगंधा का वो भैया आए नहीं साथ में, कदमों में दुनिया वाले बस खाली हो। अरे इसकी साली खाली है, खाली 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 खाली। चलिए आज हम लोग भैया जो पिछली बार रह गया था वो करेंगे, उसके बाद फिर से वो करेंगे जो पिछली बार करा था, आज करेंगे अच्छे से करेंगे। आज मैं करके आया बोल के आऊँगा घर पे। हार्दिक पांडे वाला। तो भाई यू हैव टू मतलब अभी बॉलिंग करने आया तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे शूज़ कंपलसरी है, शूज़ यहाँ से ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बाकी सॉक्स है। हाँ हाँ ये, अरे सर बूट्स कहाँ रखेंगे अगर अंदर अंदर हो सकता ठीक। तो भाई जो लोग भी बॉलिंग करना आना चाहते हो ये चीज़ का ध्यान रखना कि सॉक्स या तो पहन के आओगे तो सिर्फ शूज़ मिल जाएगा 300 रुपये में, अगर सॉक्स नहीं पहन के आओगे तो हो जाएगा 330 पर पर्सन, और नॉर्मल आदमी का 300। तो भाई वी आर रेडी, अब ये हो गया, भैया ने भी पहन लिया, हमने भी पहन लिया, अब चलते हैं हम लोग खेलते हैं। कौन सा वाला है खाली वो वाला? चलिए भैया अनुराग SF स्पेस VLOGS ठीक है, बस सेकंड लेना आपको बढ़िया अनुराग और SF ब्लॉक्स। अब हम दोनों के बीच में होगा कॉम्पिटिशन। चलिए भैया ट्राई शुरू। फर्स्ट के लिए अच्छा है, फर्स्ट वाला अच्छा है, अभी आप ही की चांस होगी शायद। एक साथ है कि ऑल्टरनेट है? इश्यूज भी भैया ने पूरा मार दिया, कैमरा नहीं ऑन था। अब मेरी चांस है, मेरे ख्याल से स्पेयर, अब मेरी चांस है। अगेन आई हैव फेयर, अब भैया की चांस है अगेन, तो अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कहीं भी फोन रख देता हूँ और अब खेलते हैं। अभी स्कोर बराबर चल रहा है 10-10। भैया का नया शॉट, भैया प्रो हो गए, भैया प्रो। अरे अरे बाप रे बाप, भैया आते ही प्रो हो गए, हम देख रहे हैं भाई एक ही बार में 18 मारा है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
तो भाई स्कोर कुछ ऐसा चल रहा है 48-53, मैं अभी भैया से 5 आ गए हूँ। हाँ भैया से अभी मैं 5 आ गए हूँ भाई, बहुत टाइम है, अभी 5 ही हुए हैं, अभी 10 और है, मतलब 5 और है अभी कुछ। फर्स्ट स्ट्राइक और भैया, अब भैया 53-53 हो गए हम लोग। नाइस नाइस नाइस, एक बजिया। तो भाई मस्त स्ट्राइक मारा है, पूरा एक ही बार में उड़ा दिया है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन बताएं यहाँ पे अगर आप लोग खेलने के पर्पज़ से आ रहे हो तो स्ट्राइक वाइक मत मारना, वरना चांस कम हो जाती है। शॉट है, शॉट है, शॉट है, हाँ कोई ना, सही जा रहा, सही जा रहा। सो भाई अभी खेलते खेलते हम लोग ला गए हैं लास्ट लास्ट, हाँ लास्ट उस पर, इसमें 10 लेवल होते हैं, 10 लेवल में 10 पॉइंट मिलते हैं अलग अलग, आप जितना पॉइंट स्कोर कर पाओ। तो अभी भैया जो हैं वो 10वें पॉइंट पे हैं, अब वो अपना खेल रहे हैं, लास्ट स्कोर कर रहे हैं, और मेरा भी फिर इसके बाद लास्ट चांस होगा। मैं 103 पे हूँ, भैया 83 पे हैं अभी। तो अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। तो भाई हो गया, गेम खत्म हो गया, अब वो गेम पूरा फाइनल। अब आया, थैंक यू, कम अगेन, आएंगे बाद में बैठाएंगे, इसको रिवर्स कर दिया जाए। हाँ क्या नाम है, 83 और 112, कोई बात नहीं। अच्छा है रिजल्ट, हाँ रिजल्ट ये रहा, एंड बेटर लक नेक्स्ट। हाँ तो चलिए अब दूसरा गेम खेलते हैं हम लोग, अपना पुराना गेम जो पहले भी खेला था ये। तो भाई अभी इसके बाद खेलने के बाद अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ये खेल रहे हैं और मस्त गेम चल रहा है भैया के साथ, और भैया का वस्त्र चेंज हो चुका है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, वो कहानी भैया और मेरे बीच में ही रहेगी बस। चलिए खेलते हैं। तो मेरे भैया इधर आइए, आप कह रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रिटी वाली फील नहीं आती है? यहाँ पे जब भी खेलने हो बहुत सेलिब्रिटी वाली फील आती है, और क्योंकि ये होता है अधिकतर लोग देखने वाले होते हैं, पूरा जमाल जमाना लगा लेते हैं। तो अभी मेरा 2 बचा है, लेकिन मैं बार बार फंस जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो चलिए खेलते हैं और फिर चलते हैं घर। तो भाई मैच बड़ा अच्छा चल रहा है, भैया और हम लोग एक बराबर खेल रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, भैया वहाँ पर खेल रहे हैं, बाकी यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हो, मज़ा आ जाती है भाई, यहाँ खेलने का अलग ही मज़ा है वैसे, और यही बाहर खेल लो 50 रुपये में, यहाँ खेल लो 200 रुपये में। तो भाई फाइनली अब सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग निकलेंगे वापस घर की तरफ, क्योंकि आज और भी लोग हैं, और भी मतलब मिलने मिलने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पे। तो भैया के पास थोड़ा टाइम कम है, तो अभी चलना पड़ेगा, बाद में शाम में भैया से फिर से मुलाकात होगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस घर, पहले चलेंगे प्यूमा, प्यूमा के बाद चश्मा, तो प्यूमा चलेंगे, चश्मा लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई अभी आ चुके हैं घर पे, और खाना वाना खा के सब कुछ हो गया एकदम, मतलब रेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। तो अभी थोड़ी देर में फिर निकलेंगे बाहर, लेकिन एक चीज़ है भाई, अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो मैं करीब 60-70 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तो एक बार की देखा कि रोड पर हमारे झंडा पड़ा हुआ है। अब आप झंडा चाहे 5 रुपये का लीजिए, चाहे 5,000 का लीजिए, चाहे 5 लाख का लीजिए, झंडा झंडा होता है, उसकी कदर करना सीखिए। रोड पे वो पड़ा हुआ था, सारी गाड़ियां उस पे चढ़ चढ़ के गाड़ियां निकाल रही थी, मतलब कोई भी ले रहा है, ना लग पा रहा हो तो अपने बैग वैग में कहीं डाल लो या कुछ डाल लो, लेकिन उसको कहीं फेंको मत। रोड पर पड़ा हुआ था, सब के सब उसको कार से रौंद रहे थे, मैं इतनी तेज़ स्पीड में था तब भी मैंने ब्रेक लगा के उस चीज़ को उठाया। तो ये चीज़ गलतियाँ मत क्या करो यार, 15 अगस्त आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिखावे के लिए चाहिए, दिखावा नहीं है ये, आपकी बार जो घर पे लग रहा है, मैं अभी तक घर पे अंदर रखा हुआ है, अभी तक ऊपर जाके लगाया नहीं है मैंने, यही सोच के कि लगाएंगे तो अच्छे से लगाएंगे, ये ऐसा ना हो कि भाई हम लगा दें हवा हवा चले गिर जाए नीचे, गिरना नहीं चाहिए, एक बार लगे तो लगे ढंग से लगे फिर, तो ये वाली बात है। तो वरना चलिए अभी चलते हैं बाहर थोड़ी देर में। यो ब्रो नहीं बन जाएगा ये देखो, इतनी लाइट के बावजूद लाइट नहीं आ रही है। रोहित भाई को सब बढ़िया है, और तुम्हारा वो जो उस दिन तुमने बताया था फोन करके, उससे पहले पहला व्यू नाना का था, नाना फोन करके हमको कर रहे हैं कि उसमें गाली 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 आ रही है, कौन गाली दे रहा है माँ बहन की, कौन माँ बहन की गाली दे रहा है, यही है गाली बीप कर दोगे? नहीं तो उस टाइम मैंने देखा नहीं, हम इनको फोन किया, हम कहे भाई गाली आ रही है, बीप करो, नहीं हो रही, इन्होंने नहीं होती है, कोई बात नहीं, नहीं ये सही है।
हेल्दी स्टफ है भैया का स्टफ हेल्दी है। पूरा सेरेमनी वगैरह सब कुछ हो चुका है, ये हमारा है लाइक देखिए दादा का है। सॉरी सेरेमनी वगैरह सब कुछ हो चुकी है एकदम फुल एंड फाइनल, और ये है हमारा यहाँ का आज का रोगी। एक दिन आप लोग को इसका भी जल्दी ही मिलेगा देखने को, बहुत ही लाजवाब वीडियो बनाने को मिलेगा, और उस दिन हमारे ये भैया भी आपको मिलेंगे, उस दिन आपको हमारे ये भैया भी मिलेंगे जिस दिन वीडियो बनेगी। बस तैयार रहिए, गेट रेडी, सब लोग आप अपना खा पी रहे हैं भाई, हल्का सा खाना। हाँ अरे सबकी लो यार, क्या दिक्कत है। हम भैया भले भाई कट लास्ट कट तुम भी आ जाओ ना पे। तो भाई अभी आ चुके हैं दूसरे रूम में, और यहाँ पे अपने पूरे मेन चटिया बैठी है, जिसको आप लोगों ने बहुत लोगों को तो ब्लॉग में देखा ही नहीं है, सही बात बताएं तो, क्योंकि बहुत हम लोग हर हाँ एक दो तीन चार लोगों को देखा है, तीन लोगों को आप लोगों ने नहीं देखा है। और भाई तो मिलवाना बनता है अपने सारे भाइयों से, सब बैठे हैं यहाँ पे भैया, और पीछे बब्बू को तो जानते ही हैं, रोहित को जानते ही हैं, भुगनू को आप जानते हैं, इधर ये बैठे हैं, उधर वो बैठे हैं, उधर ये बैठे हैं, यहाँ अभी भाई बैठे हैं, वो हमारे नेता जी, इनसे आपसे मिलवा चुके हैं हम। अच्छा हाँ, आपको भी तो मिलवाया है। ये हमारे पुष्पेंद्र नेता है, ये भी इनसे मिलवाया था जिस दिन हाँ, ये हमारे छात्र नेता है अभय सिंह, और उस दिन जब पेड़ गिरा था तो यही आए थे हटवाने के लिए, हर जगह जब दिक्कत हुआ था भैया आए थे हमारे हटवाने के लिए। बाकी इनको तो आप जानते ही हैं खूब लोग, एक बात है भाई, लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठे हो सब लोग हुए एक बात है, लेकिन ये भाई हमारा रोज ब्लॉग देखता है रोज, और इससे तुम एक बार स्किप कर दोगे, ये क्या है, इससे जो क्वेश्चन पूछ लोगे कब कहाँ क्या हुआ था ये बता देगा, इसलिए एकदम। तो सब लोग बैठ के मजे कर रहे हैं, अनुराग भैया बब्बू भाई को दिखा चुके आज फुल, हमको हो गया हो गया जो हो गया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भैया की पार्टी पे, अनुराग भैया का बर्थडे था, तो सब लोग भाई लोग आए हुए हैं, सब खाना पीना खा रहे हैं। ये हमारे अनुज भाई हैं, ये एक चीज में माहिर है, बताऊंगा नहीं मैं, मोटा सुबह चलोगा नहीं, वो जो चीज माहिर वाली बता रहा हूँ वो दूसरी है, जो सुबह आते ही तो भाई उस चीज में माहिर है। तो आप सब लोग मजे कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर गुफ्तगु कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम घर निकलेंगे, और बाकी सब लोग यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। बाय बाय बाय।